हेलो हेलो, बोली सच्चे दरबार की। हेलो हेलो हेलो, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिवादन, और हमारे बीच में हमारे अजीज, हमारे ही क्षेत्र के विधायक सरदार जरनैल सिंह जी और निगम पार्षद जी सरदार गुरमुख सिंह जी बिट्टू, हमारी इस संस्था के माध्यम से जुड़े इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। तो आइए आज के रंगारंग कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलते हैं, और सुंदर सी आवाज का जादू, और इसके बाद महानतम झांकी, भारत की महानतम झांकी, नितिन चक्रधारी जी। हाँ, एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए, नितिन चक्रधारी। ये वो विश्व विख्यात टीवी कलाकार जो कुछ ही क्षणों में आप सभी के चरणों में बाबा की सुंदर झांकी लेकर आएंगे। तो आइए सुंदर सी आवाज का जादू एक बार फिर से, नरेश उज्जवल जी। नरेश जी, आपके चरणों में हमारी टीम का वंदना, और आप सभी के लिए छोटी सी बात, काश कोई खुशियों की दुकान होती जिसकी हमको पहचान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती जिसकी हमको पहचान होती, भर देते नरेश भाई दामन आपका खुशियों से, चाहे उसकी कीमत हम कावड़ियों की जान होती। बोल शंकर भगवान की। तो आइएगा सुंदर सी आवाज का जादू, नरेश उज्जवल। हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो 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 हेलो, आप सभी कावड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है इस शिविर में, और जिन्होंने ये शिविर लगाया है मेरे भाइयों ने, उन सभी को सावन मास की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और सभी जितने भी कांवड़िया मेरे भाई कांवड़ लेके आए हैं, गंगा जी से आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाइयाँ। उनका सफ़र, उनकी मंजिल 9 तारीख को जल चढ़ेगा, तो आपका सफ़र हो गया, क्या बात है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले शिव शंकर महाराज की जय। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, और मेरे भैया हरदिल अजीज एसपी टीवी से, चिंटू कपूर भैया, ये बहुत प्यार देते हैं, बहुत मान देते हैं, श्री महाकाल महावीर कांवड़ सेवा समिति, इन सभी जिन्होंने ये समिति है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत इस नाजीज को याद करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। तो आइएगा ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, भगवान जी के चरणों में हाजिरी देते हैं, शंभु भोलेनाथ जी के चरणों में आइएगा। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो, अकट पंप
बम बगड़ बम बम मगर बम 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 लहरी अगर बम बम मगड़ बम बम मगर बम बम लहरी अगर बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी अगर बम बम बगड़ बम बम मगर बम 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 लहरी मेरी एक सुनो गोरा रानी मेरी एक सुनो अंतर्यामी मैं तो दासी जन्म जन्म की मैं तो दासी जन्म जन्म की बाली उम्र से भक्ति करती बाली उम्र से भक्ति करती तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं रात दिवस तेरे चरण दबाऊं रात दिवस तेरे चरण दबाऊं मगर बम बम मगर बम बम मगर बम 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 लहरी मगर बम बम मगर बम बम मगर बम 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 लहरी हो मगर बम बम मगर बम बम मगर बम 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 लहरी बाबा जी के लिए यहाँ पर बैठे दोनों हाथ दिखा करके ताली के साथ कहेंगे अकड़ पम पम मकड़ पम पम मकड़ पम पम अकड़ पम पम मकड़ पम पम अकड़ पम 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 लहरी ओ अकड़ पम पम मकड़ पम 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 लहरी महाराज की जयकारा वीर बजरंग क्या बात है हेलो हेलो शंकर महाराज की दोनों हाथ खोल के
भोले मेरे भोले 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 भोले। दोनों हाथ दिखाकर उसे सौ है भोले बाबा जी की, जो दोनों हाथ दिखाकर हाजिर लगा लगा है। माँ गौरा क्या कह रही है शंकर भगवान जी से, भांग तेरी शिवनाथ जी गोदी न जाए, भांग तेरी शिवनाथ जी गोदी न जाए, गोदी न जाए, भांग तेरी शिवनाथ जी गोदी न जाए, गोदी न जाए, गोदी न जाए। दुख गए दुख गए दुख गए मेरे नाथ जी गोदी न जाए, गोदी न जाए, गोदी न जाए। ओ भांग तेरी शिवनाथ जी गोदी न जाए, जिस दिन से मैं जाके आई, जिस दिन से मैं जाके आई, वो थक गई घोट घोट सरदाई, वो जिस दिन से मैं जाकर आई, थक गई घोट घोट सरदाई, जिस दिन से मैं जाकर आई, थक गई घोट घोट सरदाई, वो जिस दिन से मैं जाकर आई, थक गई घोट घोट सरदाई, घोटत हूँ घोटत हूँ घोटत हूँ दिन रात जी घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए। मां तेरी शिवनाथ जी घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए। साधु संत तेरे संगी निराले, भांग है पीते भर भर प्याले, साधु संत तेरे निराले, भांग पीते भर भर प्याले, साधु संत तेरे संगी निराले, पीते भांग के प्याले, साधु संत तेरे भर भर प्याले। कोई ना सुने कोई ना सुने कोई ना सुने मेरी बात जी घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए। ओ भांग तेरी शिवना मेरे पूरे कर दे काज हमको ले, 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 मेरे पूरे पूरे 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 मेरे पूरे मेरे पूरे मेरे पूरे कर दे काज तुम हो पूरे। सारा जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा, तेरे
जया कोई दे ना तू जा साडी कोई ना सुने तेरे बाबा मेरे बंबोले मेरे पूरे ओ मेरे पूरे ओ मेरे पूरे कर दे का बंबोले मेरे पूरे कर दे का बंबोले ओ मेरे पूरे कर दे का क्या बात है आइए जी मैं चाहूंगा कि जो जितनी मेरे कावड़िया भाई बैठे हैं मैं चाहूंगा कि सभी अपनी हाजिर लगाएं बड़ा ही खुशी का दिन है खड़े हो जाएं सभी भी मेरे भाई ये गेट पे खड़े हैं मेन गेट पे जो भी खड़े हैं थोड़ा रास्ता यहां से खाली कर दे प्लीज जितने भी मेरे कावड़िया भाई हमारे मेहमान जो गेट पे हैं मेन गेट खाली चाहिए दिल्ली पुलिस का हमारे को स्पेशल फोन आके यही बात हुई है गेट खाली कर दे थोड़ा सा माहौल को समझे प्लीज गेट खाली कर दे भाई साहब कोई हिला ही नहीं अभी तक आगे से अरे यार आएगा प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है जितने भक्तजन खड़े गेट को आगे आ जाएं आगे आ जाएगा प्लीज आगे आ जाएं सभी आ जाएं छोड़ दीजिए तो मेरे भाई हाजिर लगाएंगे ना मेरे साथ मुझे लगता है कि शायद थके हुए हैं काफी ज्यादा अरे भक्तों बड़ी बड़ा जोश है आप लोग अंदर खड़े हो जाए जो भोले से प्यार करते हैं वो सभी खड़े हो जाएं कौन कौन भोले से प्यार करते हैं कौन कौन अपने माँ बापों से प्यार करते हैं खड़े हो जाएं ये बात क्योंकि अक्सर माँ बाप बच्चों के लिए दुआएं करते हैं जब आप लोग कावड़ लेने गए थे तो माँ बापों ने दुआएं की क्या की हेलो कि वक्त के साथ एक माँ बाप क्या कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं एक माँ बाप क्या कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं और ठोकरे खाकर संभलना भी नहीं सीखे हैं है मेरे मालिक मेरे बच्चों की हिफाजत करना क्योंकि अभी वो ठीक से चलना भी नहीं सीखे हैं वो नीलकंठ महाराज की ताएगा फिर से बाबा के चरणों में नरेश उज्जवल जी मेरे चिंटू भैया यहाँ पे उपस्थित है और हमारे देव भैया भी यहाँ पर उपस्थित है और जितने भी यहाँ पे हमारे रेगे समाज के कार्यकर्ता हैं सारे भाई और मैं भी आप ही का भाई हूँ तो थोड़ी थोड़ी घड़ी राजस्थानी तो आपने भी चाले बिल्कुल पूट रही इतना छोका बोलो जिन्हों कोई जवाब ही को नहीं है बोलो अजमल कर अवतार की जय बोल राम सा पीर री बोल बाबा रामदेव री जय मैं चिंटू भैया के लिए कहना चाहूंगा और जितने भी यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं जी बिल्कुल भोले दी बरात भी सुनाऊंगा बरात थी आज तो बरात दी बरात कहा है भैया सुनिएगा जरूर बहुत मजेदार बात है एक सेकंड जी बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा चिंटू भैया गौर फरमाएगा कहा है मुसीबत में शरीफों की मुसीबत में शरीफों की
शराफत, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। चिट्टू भैया, करो सोने के, सोना जो हम लोग पहनते हैं, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बोले भोलेनाथ महाराज की जय, जयकारो वीर बजरंगे। निर्दा दरे रिदा दरे निर्दा दरे निर्दा दरे रिदा दरे निर्दा 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 दरे जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा, ओ तेरे जया कोई देव ना दूजा, तेरे जया कोई देव ना दूजा, ओ सारा जगत करे तेरी पूजा, सारा जगत करे तेरी पूजा, ओ तेरे जया कोई देव ना दूजा, ओ पूजत हूँ पूजत हूँ पूजत हूँ दिन रात जी खोटी ना जाए, ओ भांग तेरी शिवनाथ जी खोटी ना जाए, ओ भांग तेरी शिवनाथ जी खोटी ना जाए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम 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 यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम। क्या बात है, हाथ खोल के ताली के साथ, क्या बात है। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत गोरे जग बलिहारी, गोरे जग बलिहारी, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, गाते रहो जब तक तम बेहतम।
दक्ष प्रजापति जब अंकारा त्रिशूल से शिशु तारा दक्ष प्रजापति जब अंकारा त्रिशूल से शिशु तारा माफी मांगी होश में आयो वक्र का तब शीश लगायो आशुतोष भोले बाबा भय परसन बकरे ने मुख से जो बोली बम बम क्या बम 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 मुझे लगता है थक गए हैं शायद आप नहीं थके तो फिर आओ मैदान में मैं भी आपके साथ आऊंगा मैदान में जो भोले बाबा के लिए यहाँ पर आए हैं वो यहाँ आओ मस्ती जाहिर कीजिए नाच करके मनाइए उनको बहुत भोले हैं ना जाने कैसे मान जाए किससे कब कहाँ कुछ नहीं पता अपने ही वरदान दिए हुए इनके भारी पड़ जाते हैं भस्मासुर को दे दिया था वरदान बाद में शंकर भगवान जी आगे आगे और भस्मासुर जी पीछे पीछे भाग रहे थे हाथ लिए कि ट्राई करके देखता हूँ फिर विष्णु जी ने नारी का अवतार लेकर के उसी का हाथ उसके सर पे रखवाया तब जाके उसका अंत हुआ किसका भस्मासुर का वो शंकर भगवान की तो आइए कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा क्या आओ चेंज करो हेलो आइए हमारे बीच में एक खास मेहमान दिल्ली का मशहूर बैंड चावला बैंड उसके प्रोपराइटर हमारे पिंचू भैया आए हैं इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं काफी सहयोग करते हैं हम सभी को वो कहते हैं ना कि इरादे तो सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं इरादे तो सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं वही कावड़ उठाते हैं जिन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं क्या बात है बोल शंकर भगवान की जय एक विशेष सूचना आज भीड़ बहुत है पंडाल के अंदर अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करें हमारी कमेटी हमारी संस्था कोई भी जिम्मेवार नहीं होगी काफी भीड़ है भक्तों के बीच में कावड़िए और कावड़ियों के बीच में भक्त भी बैठे हुए हैं अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करें जय भोले की हाँ शंकर भगवान जी की बारात में कौन कौन चलेगा बोले शंकर भगवान की हरियाणा पाके पीती रज रज के थोड़ी दी बारात चढ़ी गज बज के सारे
बजावे नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी ओ शुक्र शनि कर शंख बजावे नारद वीणा वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी शिव कोले नू मस्ती चढ़ गई तीजी अक्सी पेड़ी चर शंख बजावे नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी हो शिव पड़े नू मस्ती चढ़ गई तीजी अक्सी पेड़ी नंदी दिन नंदी दिन नंदी दिना नंदी दिना थकता है नच नच के मैं भी आ जाऊं पक्का अरे आराम से भैया गिर जाऊंगा मैं इधर आओ बम बम बोले क्या बम बम मुझे सलर है भाई कह धोले कोई बात नहीं बाबा का दरबार है हंसना है गाना है लेकिन परेशान होके नहीं बैठना है क्योंकि आप हो आए हो कहां होकर आए हो गंगा जी होकर के आए हो कोई गंगोत्री होके आया है और कोई डायरेक्ट अमरनाथ जाते हैं वहां से कावड़ लेके आते हैं लेकिन आप सब लेके आए आप सबकी पीड़ा तो भोले बाबा वैसे ही हर लेंगे बोल शंकर भगवान की जय वीर बजरंगे हर महादेव क्या बात है डंग 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 भोले की बारात चढ़ी भज भज के भोले की बारात चढ़ी भज भज के सारे आने भज दिल्ली भज के भोले की बारात चढ़ी भज भज के सारे आने भज दिल्ली भज भज के बारात चढ़ी भज भज के सारे आने भज दिल्ली भज भज के ओ सारे आने सारे आने सारे आने भज दिल्ली सारे आने सारे आने भज दिल्ली सारे आने ओ भोले की बारात चढ़ी भज भज के तेरा ध्यान लगा दे सलीम भी न थकता है नाच नच के उज्जवल भी न थकता है नाच नच के सारे आले भंग पीती भंग पीती भंग पीती सारे आले भंग पीती नाच नाच छोड़ दी बरात चढ़ी गज गज के बारात चढ़ी गज गज के सारे आने बंद पीती रज रज के घोड़े की बारात चढ़ी गज गज के सारे आने बंद पीती रज रज के ओ घोड़े की बारात चढ़ी बोल शंकर भगवान की बोल
सच्चे दरबार की। बोल शंकर भगवान की। वाजिबा धन्यवाद जो आपने इतनी बुलंदी से जयकारा लगाया। जब मेरे कानों तक आवाज नहीं पहुंची तो मेरे भोले तक क्या पहुंचेगी। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, जो जितने ऊंचे हाथ दिखाएगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की में कौन कौन जाना चाहता है, खड़े करिए। ये बात पीछे वाले, पीछे वालों कुछ करके खा लो यार, ऐसा मत करो। ये बात जब भोले की बारी आती है तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए। ये बात पीछे वाले, ये बात। और जयकारा कम से कम इतनी बुलंदी से होना चाहिए नीलकंठ तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है जी। बोल शंकर भगवान की। भोले आवाज आई भाई, भोले मना कर रहे हैं, करे कठोरों की आवाज नहीं आई। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। ये बात कंजूसी नहीं करनी। ये बात बोल नीलकंठ महाराज की। ये बात आइएगा। कहते माँ की दवा का खर्च, आजकल कलयुग चल रहा है कि माँ की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है, कि माँ की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है क्योंकि उसे सिगरेट पीना जरूरी लगता है। तो आइएगा सुंदरकंठ के मालिक नरेश उज्जवल जी। सुन रहा है ना तू, गा रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों गा रहा हूँ मैं। अपने कर्म की करदाए कर दे इधर भी तू निगाहे। सुन रहा है ना तू, गा रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, भाई गा रहा हूँ मैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भाए। कहाँ की गलियां, आप आ रहे हो ना अभी उन गलियों से, कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं। मेरठ पड़ता है, यूपी पड़ता है, फिर उसके बाद कहीं जाके गंगा धाम आता है। ओ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भाए। गलियां बाबा गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां बाबा मुझको भाए। गलियां तेरी गलियां ओ भोले नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे बाबा भोले नाथ मेरे नाथ अब क्या पूरी फिल्म देखोगे आप। बोले शंकर भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी बिल्कुल। ओ नादिया पे होके सवार बोले जी चले दूल्हा बन के। नादिया पे होके सवार नादिया पे होके सवार बोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के।
नंदी का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, भोले का डमरू टम टम बोले, कांधे पे नाच करो हार, कांधे पे नाच करो ना, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, नादिया पे होके ऐसे नहीं, दोनों हाथ दिखा करके जो शंकर भगवान की बारात में शामिल होना चाहते हैं, दोनों हाथ दिखा करके ताली के साथ नादिया पे होके ऐसे बाबा, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, नादिया पे होके असवा, भोले जी चले दूल्हा बन के, और शिव शंकर महाराज की और सच्चे दरबार की आएगा फरमाइशी भजन। अभी मेरे भैया ने क्या था, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, तो आएगा भोले बाबा को मनाते हैं, भोले बाबा जी के चरणों में। भोला नमः रे नमने नमने मेरा बोलो नमने 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 नम शिव शंकर महाराज की, जो शंकर भगवान को मनाने आए हैं, दोनों हाथ दिखा के, इधर से भी मेरे भाई दोनों हाथ दिखा के ताली के साथ कहेंगे, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नमन, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नमन, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नमन, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नमन, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला को भोला को भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भाई देखिए इतनी अच्छी भेंट चल रही है, मैं चाहूंगा कि सभी यहाँ पर आ जाए, जितने ही भोले हैं मेरे भाई, नाच करके हाजिर लगाएंगे कैसे। अच्छा आओ जी, नगच गड़ा गच गड़ा गच गड़ा गति नगच गड़ा गति गड़ा गच गड़ा गति नगच गड़ा गति गड़ा गति, आइए एक मिनट, गड़ा गच गड़ा गति नगच गड़ा गति गड़ा गति गड़ा, थोड़ा सा लैग हम थोड़ा सा कर दे आप आ जाओ, दंग 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 दंग
भोला को खाए न फूलों की माला, भोला को खाए न फूलों की माला, भोला को खाए न फूलों की माला, मेरे भोला को खाए न फूलों की माला, मेरे भोला को खाए न फूलों की माला, मेरे भोला को खाए न फूलों की माला, भोला को खाए न फूलों की माला, भोला को खाए न फूलों की माला, सांप कहाँ से ना कहाँ से सर्प कहाँ से दावे मेरा भोला नवा और 3 तारीख को आदिशक्ति महाकाली बहुत ही भव्य विशाल जन्माष्टमी महोत्सव है और बहुत ही बाबा के डिवोटी प्रभु भक्त यहाँ पे हमारे देव भैया हैं और एसपी टीवी से हमारे चिंटू कपूर भैया हैं और शंकी भैया हमारे हैं, लक्की भैया हैं, सुनील भैया हैं हमारे, ये सभी वहाँ उपस्थित होंगे। आप सब भी आइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइएगा, वहाँ पे ये नाचिस भी अपनी हाजिरी देगा। ये तो भैया का प्यार है। और पंजाब से हमारे मुकेश इनायत भैया जी आ रहे हैं और रवि लाडला जी और हेलो और नितिन चक्करधारी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए, जोरदार तालियां, कंजूसी नहीं। और जन्माष्टमी महोत्सव 3 सोमवार 3 सितंबर को श्री आदिशक्ति महाकाली मंदिर ट्रस्ट, गांव रनहोला, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 41। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचे आइएगा। और जिन्होंने ये खूबसूरत सा पंडाल सजाया है, इस समिति के सारे सदस्य, मैं चाहूंगा कि वो एक बार आए और अपनी अपनी हाजिरी दें भोले बाबा जी के चरणों में। कौन कौन है भैया? मनोज भैया, राहुल भैया, विक्की भैया, अच्छा, और बाकी सारे पीछे भंडारा कर रहे हैं, ओके, सेवा कर रहे हैं पीछे। तो मैं चाहूंगा कि जो जितने भी सदस्य हैं वो आए और अपने अपने हाजिरी दें। सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम है, उस टाइम में थोड़े मस्ती कर ली जाए बाबा के साथ, फिर पता नहीं ये समय, ये टाइम दोबारा हमें मिले ना मिले। आइए। आइएगा, बहुत ही सुंदर रचना, अब तक बहुत हाजिरी लगाई, नाचना गाना हुआ, बहुत ही सुंदर रचना सुनाने जा रहे हैं नरेश उज्जवल जी, बहुत ही सुंदर रचना। बोली सच्चे दरबार की, तो आइएगा, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा सब बैठे, बहुत ही सुंदर रचना सुनाने जा रहे हैं नरेश उज्जवल जी, बहुत ही सुंदर, आइएगा। हेलो Anu
अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। ये बहुत ही सुनने वाला भजन है, एक एक शब्द तारीफ गौर है अगर आप गौर से सुनेंगे तो। अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। पहले सोचा होता पागल, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा। अब क्या सोचे इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आप सुनना चाहते हैं इस भजन को, तो मैं सुनाऊं पूरा। बोले शंकर भगवान की जय। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं दो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं दो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं दो। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं दो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो, ओ सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लो। याद रख ले न सदा गुजरे जमाने का चलन, याद रख ले न सदा गुजरे जमाने का चलन, अपने मतलब के लिए कहते हैं रिश्तों का दमन, लेके जाते हैं शगुन घर में लाते हैं दुल्हन, लेके जाते हैं शगुन घर में लाते हैं दुल्हन, अपने तो सारे गुनाहों को छुपा लेते हैं दो, अपने तो सारे गुनाहों को छुपा लेते हैं दो। चंद पैसों के लिए दुल्हन जला देते हैं लो, चंद पैसों के लिए दुल्हन जला देते हैं लो, चंद पैसों के लिए दुल्हन जला देते हैं लो,
कहते हैं दो जहर हंस के पिला देते हैं दो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं दो। और देखिए कितनी सुंदर बात कही है, कहा है वक्त बदला है तो यार बदल जाते हैं, 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 यार को छोड़िए घर बार बदल जाते हैं, जिनसे करते हैं वफा वो ही देते हैं दगा, जिनसे करते हैं वफा वो ही देते हैं दगा, मार कर खंजर सीने में सुला देते हैं दो, मार कर खंजर सीने में सुला देते हैं लो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं दो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं दो, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं दो, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं दो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं रो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं रो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं रो, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं रो, ओ सगे भाई जहर हंस के पिला देते हैं लो। बोली सच्चे दरबार की, बोली शिव शंकर महाराज की। अगर वाकई आपको आनंद आया हो भजनों में, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि नरेश उज्जवल जी की मेहनत सफल होगी। जोरदार तालियां। देखिए अगर आज आप नरेश उज्जवल जी के लिए तालियां बजाएंगे तो याद रखना कल आपके बच्चे के लिए भी कोई स्कूल में भेजा जाएगा। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार। आएगा बहुत ही सुंदर कव्वाली। बोली सच्चे दरबार की। आएगा बहुत ही खूबसूरत कव्वाली, बाबा जी के चरणों में पेश कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये जितने भक्त यहाँ खड़े हैं सभी बैठ जाएं। देखिए सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, कव्वाली जो है बैठ कर सुनी जाती है, प्लीज बैठ जाएं, हाथ जोड़ के गुजारिश है, बैठिए। अभी कोई जाएगा नहीं। और देखिए जो इसकी इज्जत करता होगा वो जरूर बैठेगा, जो इसको अपना बाप मानता होगा, सब कुछ मानता होगा, वो जरूर बैठेगा। प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है, सभी बैठ जाएं। सानी पानी सानी पा मगर
मजबूर की भूल भई, मजबूर की भूल भई, मजबूर की भूल भई, भला मैं भूली कब तो, मैं भूली तो भूल भई, पर तुम मत भूलियो मो, क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, मेरी झोली भरी है इस दर से, मैं मंगती दाता की। कौन कौन इसके नाम के मंगते हैं? मैं भी मंगता हूं उसके नाम का। जो इसके नाम के मंगते हैं दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली के साथ कहेंगे, क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, वो क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, ओ क्यों मांगू, दर से मैं मंगती दाता की, क्यों मांगू मैं दर दर से, मैं मंगती दाता की, वो मेरी झोली भरी है इस दर से, मैं मंगती दाता की, क्यों मांगू मैं दर खड़ी है दर पर दासी,
कड़ी है पर दासी आज न रखियो मोहे दाता प्यासी आज न रखियो दाता प्यासी आन कड़ी है दर पर दासी 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 आज न रखियो दाता प्यासी 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 आन कड़ी दासी आन कड़ी है दर पर दासी आज न रखियो मोहे दाता प्यासी आज न रखियो दाता प्यासी आज न रखियो दाता प्यासी चाहे पतरा ही दे सागर से मैं मंगती दाता की मांगू मैं दर दर से मैं मंगती दादा की मांगू मैं दर दर से मैं मंगती दादा की दाता करम की कर तो नजरिया दाता करम की कर तो नजरिया दाता करम की कर तो नजरिया दाता करम की कर तो तोहरी रहे आबाद नगरिया तोहरी रहे आबाद नगरिया तोहरी रहे आबाद नगरिया टल जाए मुसीबत सर से मैं मंगती दादा की क्योंकि जब मैं थोड़ा सा मूड में होता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही और भोले बाबा जी बैठे और थोड़ा सा मूड बना हुआ है मेरा थोड़ा मुझे थोड़ा अच्छा लगता है रिदम के साथ और आप भाई इतना अच्छा बजा रहे हैं मुझे सीखने को मिलेगा कुछ मेरे साथ अपनी हाजिरी देंगे जो मंगते हैं उनसे कहिए कि हम तेरे दरबार के मंगते हैं
क्योंकि जब तक हम मंगते नहीं बनेंगे यहाँ हमें कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। वो सच्चे दरबार की जो मंगते हैं वो दोनों हाथ दिखा के बात। एक बार मेरे भाइयों के लिए जोरदार तालियां मारो। ऐसी संगत और ऐसी रंगत बहुत कम जगह पे होती है, और मेरे गाने को सजाने वाले, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे गाने को सजाने वाले मेरे ये म्यूजिशियन भाई, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां मारो सर। क्योंकि तीन चार सिंगरों को इन्होंने गवाया है, बड़ी मुश्किल का काम है रिदम बजाना। मैं जानता हूँ रिदम किस तरह से प्ले होती है, वो मेरे को पता है, बहुत दम लगता है, मेहनत लगती है। तो जी आएगा, बहुत ही सुंदर फरमाइश। वैसे मेरे पास चिंटू भैया आजा आजा साइया वे की भी फरमाइश है, लेकिन आपने कहा है तो मैं वो भी सुनाऊंगा हमारे भैया। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ जी, मेरी माताएं बहनें ही बैठी हैं। आप लोगों को मैं बोर तो नहीं कर रहा ना? पक्का श्योर लॉक कर दिया जाए? चलो ठीक है, आप लोग बन गए करोड़पति, वैसे ही बन गए। और इसके दरबार में जो अपनी हाजिरी देते हैं वो वैसे ही करोड़पति हो जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। कल बोल सच्चे दरबार की जय। जय करा विष्णु रानी दो। बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ, और ये जहां भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, भजन होता है, वहां पे ये बात आपको बताई जाती है, रिपीट कराई जाती है कि जब भी कोई हिंदू धर्म में जयकारा लगता है तो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे दिखा के लगता है। ये मैं नया आपको नहीं बता रहा हूँ, अनोखा नहीं हूं मैं, ये सब बताते हैं जितने भी हो। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा वैष्णो रानी का। बोल सच्चे दरबार की जय। ये जो भी बोले आए हुए हैं, एक गेट के पास ही कावड़ झुलाई हुई है, तो जो भी हमारे मेहमान अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो कावड़ को कई बारी गलती से पैर ना लग जाए, तो जिसकी भी भोले की कावड़ है वो थोड़ा सा वहां से उठाए, अंदर झुला दे या थोड़ा पीछे झुला दे। रिक्वेस्ट है कोई भी बूढ़ा गेट के पास कावड़ ना झुलाए, क्योंकि हम किसी को आने जाने वालों को सबको रोक नहीं सकते। और कलश वाली कावड़ है, रिक्वेस्ट है वहां से थोड़ा सा, कावड़ चोरी होगी कोई बात नहीं, भोड़े अभी ढूंढ लेते हैं। जी जिसका भी जल है एक बारी बाहर चले जाओ, एक भोड़े की कावड़ चोरी हो गई है, चोर भोड़ा भी आया हुआ कोई, तो थोड़ा सा मदद करें, 20-20 लीटर के कलश हैं। बोले जी जिसका जल है ना सारे बाहर आ जाओ, एक बार अपना जल बता दो मुझे सारे। भाई यार बड़ी मेहनत से लेके आया, जाके इसकी मदद करो, हम भी FIR कराते हैं। जयकारा शेरवाली का। बोल साचे दरबार की जय। तो आइएगा, एक स्थाई अंतरा में आपको सुनाऊंगा।
क्योंकि समय का भाव है, इस करके छोटा ही भजन मैंने गाना है। से करूं मां तुझसा और न कोई। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप मुझे बताइए, और मेरे भाई भी यहां पर हैं। इंसान जब इस धरती पे आता है तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है? उसे मां की जरूरत पड़ती है। मां सर्वप्रथम है, सबसे पहले है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और ना जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पे आए तो आए केवल सिर्फ और सिर्फ मां की बदौलत। जहां हम बैठे हैं इसको क्या बोलते हैं? धरती मां। इंसान कहीं से भी धक्के खा के आ जाए, शरण मां ही देती है उसे, है ना? बेटा जो है वो अपनी मां से जाके बोलेगा कितनी इंपॉर्टेंट बात हो, और बेटी जो है वो अपने पापा से बोलती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार किसने किया है? बाप ने। और बेटे को, अरे मेरा लाल है कोई बात नहीं, गलती होगी। जिस तरह से मथुरा वृंदावन आप जाइए, आपको याद आएगा भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, माखन चुराया करते थे और गोपियों की गुलेल से पत्थर मार करके गगरिया तोड़ देते थे, और गोपियां शिकायत लेके जाती थी किनके पास? माँ यशोदा के पास, और कहती थी अरे ओ यशोदा देख तेरे लल्ला ने क्या करा। माँ कहती थी क्या करा यशोदा मैया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। और जब मां नाराज हो गई, मां ने कहा कि लल्ला अब काना मैं तो से बात ना करूंगी। तब मां ने कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या? रि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं और मैं नहीं, कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क। बोली सच्चे दरबार की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वंशीवारे की, बोल राधा रानी की। तो यहां पे मैं आपको कुछ भारी भरकम वर्ड आपको सुनाने जा रहा हूं, आप प्लीज गौर से सुनेगा। मेरी माता बहने जो बैठी, एक छोटा सा बच्चा है, किस्मत देखी बेचारे की मां नहीं है, और वो क्या कह रहा है? कह रहा है तेरी तुलना किस से करूं मां तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई मां। बच्चा भागते भागते गिर जाए, बच्चा भागते भागते गिर जाए कौन संभालता है उसे? मां संभालती है। और बच्चा जब गिरता है तो निकलता भी क्या है? मां ऐसे करता है ना। और पापा कब याद आते हैं? पापा जब सड़क पे चल रहे और वो ट्रक सामने आ जाए ना, अरे बाप रे बच गए, तब बाप याद आता है। तो इन दोनों की जो पदवी है वो बराबर है।
बोली सच्चे दरबार की चले जाते हैं ना दुनिया से, जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते आजकल की औलाद, क्योंकि कलयुग है, कलयुग चल रहा है, जीते जी कोई कदर नहीं करता। जब मर के वो एक दीवार पे लग जाते हैं ना तस्वीर के रूप में, तब याद आती है उनकी। माँ बाप बुलाते रहते हैं लेकिन औलाद नहीं सुनती, क्योंकि कहा है माँ की दवा का खर्च, माँ की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है। थैंक यू। मां की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है, क्योंकि बाहर जाके दोस्तों के साथ सिगरेट पीना उसे जरूरी लगता है। मां बुलाती रहती है मगर कोई, हाँ सॉरी बस हो गया। तो कहा है मेरे हंसने पर हंसती है, रोने पर रोती है माँ। मेरे हंसने पर हंसती है, रोने पर रोती है ये माँ। हो फिर भी मैं ये समझ न पाया, माँ कैसी होती है। हाँ जब तक सोया मैं ना चैन से, जब तक सोया
चैन से तब तक माँ नहीं सोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना रब्बा है, जब टूटा मेरा खिलौना हो मुझसे पहले तू रोई। ये था माँ और बेटे का प्यार। और बेटी एक एक छोटा सा भेद प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से बेटा माँ से प्यार करता है उसी तरह से बेटी भी बाप से प्यार करती है। एक दिन बाप पराए घर भेज देता है उसे। वो जाती है मगर क्या कहती है, छोटी सी उम्र परणाई रे बाबोसा करो थारो कई मैं कसू। वो जा रही है मगर अपने बाप को कोसती हुई जा रही है। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबोसा करो थारो कई मैं कसू। ओ इतना दिना तो माने लाड लड़ाया अब क्यों करो माने हिबड़े सुदू। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबोसा करो थारो कई मैं कसू। हो इतना तिना तो माने लाड लड़ाया अब क्यों करो माने हिगड़े सुदू। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा जगदिया ज्योता वाली का। सच्चे दरबार की जयकारा कालका भाई जी दा। सच्चे दरबार की जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। लीजिएगा इतनी हाजिरी कबूल कीजिएगा। और अगर कोई गलती कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो बड़े मुझे छोटा समझ के और छोटे मुझे बड़ा समझ के माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो आइएगा अगर नरेश उज्जवल जी की गायकी आपको वाकई पसंद आए तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें जिससे कि ये पता चले कि वाकई जोरदार तालियां। देखिए कंजूसी हो रही है। मैंने पहले भी कहा था अगर तालियां आज नरेश उज्जवल जी के लिए बजाएंगे तो हो सकता है कल आपके बच्चे के लिए कोई स्कूल में बजाए, तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये बात, धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी भक्तों की बहुत बहुत यात्रा सफल करें। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस महानतम टीम का, जोरदार तालियों से। भाई जी आगे आइए। ये थे हमारे खास कलाकार नरेश उज्जवल जी। इनके लिए दो शब्द लिखकर लाए हैं, मंगल कलश है पुण्य मुहूर्त है आपकी गायकी, सूफी दर्शन से सराबोर कुदरत है आपकी गायकी, मानव ही नहीं देवता भी जिसे सुनकर प्रसन्न हो, सागर मंथन से निकला हुआ अमृत है आपकी गायकी, बोल शंकर भगवान की। आपका हमारे इस पवित्र मंच में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय बाबा। तो आइए भारत की वो शान